कोरोना संक्रमण ने इस वक्त सभी राज्यों में अपनी जगह बना ली है। लगातार कोरोना संक्रमित मरीज भी अब सामने आ रहे हैं। इन सभी के बीच अब जिंदगी धीरे धीरे पटरी पर भी लौट रही है। प्रदेश में इसके लिए कल से होटल्स, रेस्टोरेंट्स, मॉल और एक बार फिर से खोल दिए जाएंगे। इसी के तहत कोटा शहर के तलवंडी स्थित एक रेस्टोरेंट के संचालक ने भी अपने कर्मचारियों को सोशल डिस्टेंसिंग की पालना करवाना शुरू कर दिया है। रेस्टोरेंट में आने वाले मेहमानों की थर्मल स्क्रीनिंग होगी, इसके बाद ही उन्हें अंदर प्रवेश दिया जाएगा। इसी के साथ रेस्टोरेंट्स के अंदर 6 फीट की दूरी पर सिटिंग की व्यवस्था की गई है। ऐसे में रेस्टोरेंट्स के खुलने के बाद किस तरीके की व्यवस्था होगी, इसकी जानकारी ली हमारे संवाददाता योगेंद्र महावर ने। कोरोना के काल में जहां एक ओर देश की आर्थिक स्थिति बहुत धीमे हो गई है, ऐसे में अब कोरोना संक्रमण के बीच सरकार ने कई अहम फैसले दिए हैं, साथ ही कई गाइडलाइन भी जारी करी है, जिसके तहत रेस्टोरेंट्स, मॉल और धार्मिक स्थल को खोलने की इजाजत सोशल डिस्टेंसिंग के साथ दे दी है। इसी के तहत राजस्थान के कोटा में भी सिटी मॉल, रेस्टोरेंट कल से शुरू हो जाएंगे। ऐसे में जिस तरह की सोशल डिस्टेंसिंग की पालना करवाई जाएगी वो आपके सामने मौजूद है। इस समय मैं हूँ एक तलवंडी के एक रेस्टोरेंट में, जहाँ पर पूरी तरह से टेबल वगैरह सज चुकी है। किस तरह की व्यवस्था यहाँ पर रहेगी, कस्टमर्स को किस तरह के यहाँ पे सपोर्ट मिलेगा और किस तरह की उनको जानकारी मिलेगी, ये सारी चीज़ें यहाँ पे बताई जाएगी। 6 फीट की दूरी पर यहाँ पर हर टेबल को लगाई जा रही है, व्यवस्था बिल्कुल सुचारू कर दी गई है। बेसिकली देखा गया है कि 2 महीने बाद जिस तरह से रेस्टोरेंट और मॉल सब खुलने शुरू हो जाएंगे, उसी तरह से सोशल डिस्टेंसिंग की पालना करवाना बेहद जरूरी है। ये पूरा रेस्टोरेंट है जो पूरी तरह से टेबल से सज चुका है और यहाँ पर 6 फीट की दूरी पर हर टेबल को लगाई गई है और यहाँ पर जो वर्कर्स है, जो एम्प्लॉयज है, वो लगातार यहाँ पर सोशल डिस्टेंसिंग की पालना के तहत यहाँ पर पूरी तैयारी शुरू कर दी गई। एम्प्लॉयज भी यहाँ मौजूद है और एक फेमस रेस्टोरेंट भी इसको कहा जाता है। किस तरह की व्यवस्था सोशल डिस्टेंसिंग के साथ कल से शुरू करेंगे? नमस्कार। सबसे पहले तो हम लोग जो सबसे ज़रूरी चीज़ें हैं, जो कि सरकार की गाइडलाइंस हैं, उसको हम बहुत ज़्यादा फॉलो कर रहे हैं, जिसमें कि सैनिटाइजेशन, सोशल डिस्टेंसिंग, पर्सनल हाइजीन, इन चीज़ों पे मेजर फोकस है। रेस्टोरेंट में एंट्री पे, किचन में, हमारे स्टोर के अंदर हमारे सारे स्टाफ को हम लोगों ने ग्लव्स, मास्क और फेस शील्ड्स हम लोग प्रोवाइड कर रहे हैं कल से। जितने भी हमारे फ्रंटलाइन वर्कर्स हैं उनको हम फेस शील्ड के साथ रखेंगे, ताकि किसी भी तरह कांटेक्ट उनका किसी के साथ नहीं हो, वो कोई तरह बीमारी ना पकड़े और ना कि वो आगे बढ़े। जो कस्टमर्स यहाँ पे एंटर करेंगे, बाहर किस तरह की व्यवस्था रहेगी, ताकि आप लोगों को भी खतरा ना रहे और ना ही कस्टमर को ये डर रहे कि हम जिस रेस्टोरेंट में जा रहे हैं वहाँ पे व्यवस्था मिली है नहीं मिली है? मैं आपको प्रैक्टिकल दिखा भी देता हूँ कि कैसा होता है। हम लोग जितने भी हमारे गेस्ट आने वाले हैं, पहले तो उनके हाथ सैनिटाइज किए जाएंगे। उसके अलावा एक जिसमें हमने ऑटोमेटिक मशीन लगाई हुई है, थर्मल स्कैन किया जाएगा। अगर किसी स्थिति में किस फ़र्क दिखता है टेम्परेचर के अंदर, तो उनको वहीं होल्ड किया जाएगा, उनको अंदर आने के लिए हम अलाउ नहीं कर रहे हैं। आइए। तो निश्चित तौर पर एक बहुत बड़ी जिस तरह से व्यवस्था यहाँ पर की गई है रेस्टोरेंट में, वो काबिले तारीफ है। वही हम देखने चाह रहे हैं कि किस तरह की व्यवस्था यहाँ के जो ऑनर है उनकी तरफ से की गई है। कि हम लोग ट्रेनिंग ऑलरेडी करते आ रहे हैं और जो बाकी स्टाफ हमारा, क्योंकि 30% स्टाफ के साथ ही वर्क करना है हमें, तो उनको हमने बुलाया, उनकी सारी ट्रेनिंग होगी। हम लोग मतलब कल रेस्टोरेंट को ओपन टू ऑल नहीं कर रहे हैं, एक दिन के ट्रेनिंग प्रोसेस और रखेंगे और परसों से हम स्टार्ट करेंगे रेस्टोरेंट को। समझिए, हमने आपका टेम्परेचर लिया, अगर ये 98 से अंदर अंदर है तो ही हम गेस्ट को अंदर अलाउ करेंगे, अदरवाइज वो नहीं होगा। तो यहाँ पे एक ऑटोमेटिक मशीन है जो कि सैनिटाइजर, ऑटोमेटिक सैनिटाइजर है, इसमें हाथ साफ करके अंदर आदमी प्रवेश कर सकते। तो निश्चित तौर पर एक बहुत बड़ी जिस तरह की व्यवस्था इस रेस्टोरेंट में की गई है वो काबिले तारीफ है। कल से रेस्टोरेंट, मॉल्स शुरू होने वाले हैं। यहाँ पर एंट्रेंस से लेकर यहाँ पर जो कस्टमर्स बैठेंगे उनके लिए भी पूरी व्यवस्था यहाँ पर कर दी गई है। एम्प्लॉयज़ है, ओनर है, जो ओनर है नीलेश अग्रवाल जी, वो खुद इस चीज़ को मॉनिटरिंग कर रहे हैं। उन्होंने कहा है कि कल जिस तरह से कस्टमर्स के लिए खोले जाएंगे, लेकिन कल वो इसमें हॉलीडे रखेंगे, अपने एम्प्लॉयज़ को पूरी तरह से गाइडलाइन की पालना करवाएंगे, उसके बाद ही यहाँ पर कस्टमर्स के लिए शुरू करेंगे। सहयोगी राजेंद्र भारद्वाज, जो कैमरा पर्सन दीपक के साथ, योगेंद्र महावर, A1 TV कोटा।